मार्टिन ने ऐलान कर दिया है कि वो गे है। और इसके बाद दुनिया भर के गुजराती जिन्होंने अपने बच्चों का नाम रिकी रखा था, शौक में आ गए। पंजाबी लोग शाइनी नहीं रख सकते, गुज्जू भाई रिकी नहीं, बाबा नहीं, बॉबी भी नहीं, तो डार्लिंग क्या रखे। दो बच्चों के बाप रिकी मार्टिन का कहना है कि मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहता, और बच्चों ने कहा हाँ थैंक यू, अब सच नहीं बोलते तो कब बोलते, चार और बच्चों के बाद। और अपना गे स्टेटस सेलिब्रेट करने के लिए रिकी मार्टिन अपने नए वीडियो में न्यूड नजर आएंगे। एंड आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मेगन फॉक्स कब गे होने का अनाउंसमेंट करेगी। बंगाल पुलिस ने हाल ही में एक झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप मतलब जो क्वैक्स होते हैं, मतलब मुनीर खान होते हैं, एक झोला छाप डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है जिसने माओइस्ट लीडर किशन जी का इलाज किया था। ये अच्छा है ना, मतलब झोला वालों का इलाज भी झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं। लेकिन उस डॉक्टर को अरेस्ट क्यों किया, मतलब उसे तो इनाम मिलना चाहिए था। अरे जो आदमी पूरे देश को चूतिया बना रहा है, इस झोला छाप बाबा ने मतलब डॉक्टर ने उसे चूतिया बना दिया। हाल ही में एक 65 साल का आदमी दिल्ली एयरपोर्ट की दीवार फांद कर अंदर पहुंच गया, और उस आदमी का कहना था मैं क्या करूं, गेट पर इतनी सिक्योरिटी थी। वैसे इस आदमी के लिए भी कम सरप्राइजिंग नहीं रहा होगा एयरपोर्ट के अंदर कूदना, क्योंकि अंदर गिरते उसके सामने एक एरोसेस प्रकट हुई जिसने 50 रुपए का पानी और 200 रुपए का सैंडविच बेचा, फिर वो वापस बाहर आने की भी कोशिश कर रहा था कि मुझे बचाओ यार। वैसे इसके बाद बहुत से लोगों का कहना है कि अगर एक 65 साल का आदमी भी एयरपोर्ट के अंदर घुस सकता है तो ये कैसी सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी वालों का कहना है अरे जब 84 साल का वो एनडी तिवारी बच्चे पैदा कर सकता है तो 65 साल को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो। 84 साल का वहां पे कूद रहा है, ये भी तो कूद के अंदर आ गया यार, क्या हो गया उसमें। अपनी सफाई में एयरपोर्ट सिक्योरिटी का ये भी कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट की बाउंड्री जो है वो 27 किलोमीटर लंबी है। बोलिए अब कहां सिक्योरिटी लगा। इन शॉर्ट उनका कहना है कि हम लोग भाई गेट पे ही रहेंगे, बाकी तुम लोग खुद देख लो, हट। वैसे आई एम श्योर इस 65 साल के आदमी के कूदने का क्रेडिट भी कलमाड़ी साहब को ही लेना चाहिए, शायद लिया भी होगा, यू नेवर नो। क्योंकि ना कॉमनवेल्थ गेम होती, ना एयरपोर्ट रिनोवेट होता, और ना कोई डेस्परेट आत्मा उसकी दीवार कूद कर अंदर जाती। आपको पता है ललित मोदी ने कोची आईपीएल टीम से रिश्वत क्यों मांगी, उनकी वही मोडिस ऑपरेंडी। पाकिस्तान लॉन टेनिस के चीफ ने कहा है कि अब जब सानिया की शादी हो गई है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से टेनिस खेलना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि पहले जैसे इंडिया ग्रैंड स्लैम से सेकेंड राउंड में बाहर होता था, अब पाकिस्तान हो। लेकिन ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि पाकिस्तान में भी लॉन टेनिस चीफ है, मतलब पाकिस्तान में लॉन टेनिस है। टेनिस हमें तो लगता था कि वहां सिर्फ आर्मी चीफ होते हैं और उन्हीं कमीनों का रैकेट होता है, वो वाला रैकेट नहीं, वो बाकी सबके पास रॉकेट है, रैकेट नहीं है। वैसे टेनिस रैकेट से पाकिस्तानी क्या करते होंगे, हाँ इसका हमें अंदाजा है भाई, टेक ए लुक। देखा टेनिस रैकेट का क्या फायदा है, मतलब ये फायदा है। खबर है कि आने वाली फिल्म एक्शन रीप्ले ऐश्वर्या राय की करियर की पहली कॉमेडी फिल्म होगी। तो फिर एक उमराव जान, धूम 2 और जोधा अकबर क्या थी। गीता बसरा ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है कि एक आदमी उन्हें स्टॉक कर रहा है, मतलब उनका पीछा कर रहा है। पुलिस ने कहा बेचारा। एंड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, माया पुराण और नियर फ्यूचर में आईपीएल का नक्शा। बट आफ्टर दिस ब्रेक।